अयोध्या की, जहां पर मोहन कैबिनेट पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत उनका हुआ, परिवार संग रामलला के दर्शन भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, मोहन कैबिनेट पहुंच चुकी है अयोध्या में, रामलला के दरबार में एमपी सरकार पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में दर्शन भी करेंगे। तो अयोध्या के रामलला दरबार में एमपी सरकार पहुंच चुकी है, सभी कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में दर्शन भी करेंगे रामलला के। रामलला के दरबार में सभी सीएम के साथ पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, भव्य स्वागत भी उनका किया गया है। राम के दर्शन को मोहन आए हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब सभी पूरी कैबिनेट एक गाड़ी में सवार होकर के जा रही थी, तब भी भजन गाते हुए सब रवाना हुए। उसके बाद जब वो पहुंचे तब उनका भव्य स्वागत हुआ, गुलदस्ता दिया गया, उससे स्वागत किया गया और अब राम की भक्ति में लीन सभी नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें ये देख रहे हैं, अयोध्या से तस्वीर, जहां पर सभी पहुंच चुके हैं, पूरी कैबिनेट, मोहन कैबिनेट पहुंच चुकी है और अब कुछ ही देर में रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो सभी राजा भोज एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे हैं और शाम तक वापसी भी है सभी की और अब कुछ ही देर में रामलला के दर्शन होने जा रहे हैं। बेहद ही खास दिन, चूंकि रामलला विराजमान हुए उसके बाद से ही सभी चाह रहे थे कि पहुंचे रामलला के दरबार पहुंचे और दर्शन करें और अब जब कैबिनेट पहुंची है आशीर्वाद लेने के लिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी मंत्री सीएम मोहन यादव के साथ। बहुत अच्छा है जी, धन्य हो गए यहाँ आकर। जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार जय श्री राम। सौभाग्यशाली हम लोग कि मोदी जी के युग में भगवान राम को दर्शन कर रहे हैं यहाँ उनके भवन। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, हम धन्य है। तो मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी, ऐसे में यहाँ आकर जिस तरह बात बात की जाए, यहाँ के मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, प्रदेश सरकार चाहेगी तो मैं प्रदेश भवन बना करके और अपने राज्यों की एक सुविधा भी बनाना चाहता हूँ। Yeah.
दिखा रहे हैं कि मोहंत कैबिनेट पहुंच चुकी है रामलला के दर्शन के लिए। इसी बीच सहयोगी निमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी बताएंगे कि आखिर अभी वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। निमेश, कैसा माहौल, कैसी तस्वीरें वहां पर, कितनी देर में रामलला का दर्शन मोहंत कैबिनेट करेगी? देखिए, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर मोहंत कैबिनेट पहुंच चुकी है और वहां से अब रामलला के लिए वो निकले हुए हैं। जहां मौजूद है यही वीआईपी गेट है जहां से पूरी एमपी कैबिनेट अंदर जाएगी, जिसमें 65 लोग अपने परिवार के साथ, मंत्री उसके साथ साथ तमाम सांसद विधायक रहेंगे। और इस दर में मोहंत कैबिनेट को बाकायदा यहां पर स्वागत के लिए बेबी रानी मौर्य पहुंच चुकी हैं, जो बाकायदा राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगी जहां पर ये स्वागत करेंगी। इनको लेकर के जो लोग आगमन कर रहे हैं, जो मेहमान आ रहे हैं, उनके स्वागत को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने भी विशेष तैयारियां की है। सभी जो मोहन कैबिनेट के लोग हैं, जो 65 सदस्य हैं, उनका राम मंदिर में भव्य स्वागत किया जाएगा, अंग वस्त्र और प्रसाद भेंट किया जाएगा। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर के निर्माण को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर के भी जो मोहन कैबिनेट के लोग हैं उनको जानकारी दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगे। लिहाजा राम मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुके हैं। हालांकि ये कार्यक्रम करीब 2-1 घंटे के आसपास डिले हुआ है, लेकिन जिसको लेकर के अब और बेहतर तैयारियां और ग्रीन कॉरिडोर बना करके बाकायदा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से रामलला परिसर तक लाया जाएगा। हम जिस जगह मौजूद हैं इसी जगह से मुख्यमंत्री मोहन यादव का काफिला अंदर जाएगा और सीधे राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन करेगा। क्योंकि ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि आम जनमानस जो आ रहे हैं, लगभग 2 लाख लोग प्रतिदिन रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं, और ऐसे में आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो, इस लेकर के जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो एकदम अलग मार्ग दिया गया है ताकि वीआईपी मूवमेंट से किसी भी राम भक्त को कोई असुविधा ना हो। और इसी मार्ग से मोहन यादव अपने कैबिनेट के साथ रामलला परिसर में जाएंगे जहां दर्शन पूजन करेंगे, रामलला का आशीर्वाद लेंगे और राम मंदिर परिसर के जो क्षेत्र है, जो विकास कार्य चल रहा है उसकी भी जानकारी लेंगे। जी वाकई वाकई, देखिए उन्होंने फरवरी में ही निमिष फैसला ले लिया था मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कि हाँ मुझे अयोध्या जाना है। हालांकि व्यस्तताओं की वजह से वो जा नहीं पाए थे, पर अब वो घड़ी आ गई है जब रामलला के दरबार वो पहुंच चुके हैं। खुशी भी जाहिर उन्होंने की होगी। क्या आपने भी बातचीत करने का प्रयास किया? क्या उनका क्या कहना था? और भी कैबिनेट के मंत्री वहां पर मौजूद थे। देखिए, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो रामलला के दर्शन को लेकर अभिभूत हैं और ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें आराध्य का दर्शन मिल जाए, क्योंकि 22 जनवरी को जब भगवान रामलला विराजमान, उसके बाद राम भक्तों का जनसैलाब पूरे देश और दुनिया से रामनगरी आने लगा, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि लोग थोड़ा समय बाद जाएं, नहीं तो ये पूरा इनका जो दर्शन का प्रोग्राम है वो काफी पहले होता। अब राम भक्तों को असुविधा ना हो, इस लिहाज से ये शेड्यूल में बदलाव किया गया और आज पूरी एमपी कैबिनेट अयोध्या में है और आराध्य के दर्शन करने को लेकर बेताब है। जैसा भी हम लोगों ने देखा, बस में बाकायदा राम नाम संकीर्तन, राम आए हैं अंगना सजाएंगे, इस तरीके के भजन खुद मोहन यादव की कैबिनेट मोहन यादव गाते नजर आ रहे हैं। और अयोध्या पहुंचकर जाहिर सी बात है कि एमपी कैबिनेट राम में हुई है। जी वाकई, देखिए यहाँ पर निमिष बात ये भी हमें करनी चाहिए, चूंकि मंशा जो मुख्यमंत्री की है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वासी जो है सबसे ज्यादा पहुंच सके, रामलला के दर्शन कर सके, उन्हें सुविधाएं मिल सके वहां पहुंच करके और आराम से रामलला के दर्शन कर सके, तो उन्होंने मंशा भी जाहिर की थी कि अगर वहां पर जगह मिल जाती है तो कहीं ना कहीं अयोध्या में मध्य प्रदेश भवन बनाएंगे जहां पर सहूलियत वहां पर लोगों को मिल सके। देखिए, मध्य प्रदेश के लोगों का बहुत लंबा गहरा नाता है अयोध्या से और काफी आश्रम यहाँ पर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए लोगों के हैं, लेकिन चूंकि अयोध्या में अब भगवान रामलला विराजमान हो चुके हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को लेकर अपना निजी स्थान उसको लेकर के कवायद जरूर की गई थी और उस कवायद की सफलता के अनुरूप अब जल्द ही अयोध्या में एक मध्य प्रदेश का भवन बनेगा जिसे एमपी भवन नाम दिया जाएगा, उसको लेकर के भी आज चर्चा परचर्चा होगी। बीते दिनों खुद यहाँ पर उनके पूरे जो लोग थे वो आए थे और उन्होंने यहाँ के अधिकारियों से वार्ता की थी। ये माना जा रहा है कि आगामी दिनों में जल्द ही अयोध्या में एक मध्य प्रदेश भवन का निर्माण होगा जिसमें मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं रहेंगी। इतने सालों का इंतजार निमिष, इतने सालों का इंतजार सभी का खत्म हुआ, राम भक्तों का खत्म हुआ, हिंदुओं का खत्म हुआ और रामलला विराजमान हो गए अपनी जगह पर। ये बहुत बड़ा सपना था जो साकार हुआ और उसके बाद अगर मध्य प्रदेश वासियों को इतनी बड़ी सौगात मिलती है तो उनसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा अगर वहां पर भवन का निर्माण होता है, मध्य प्रदेश भवन बनाया जाता है तो। देश और दुनिया के राम भक्त आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के नाम से यहाँ भवन बनाया जाना बिल्कुल
ये गौरवान्वित करने वाला पल होगा। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के लोग यहाँ, चाहे फिर पारंपरिक मेले हो, विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजन हो या फिर भगवान रामलला का जन्मोत्सव, राम विवाह का अवसर हो, ऐसे मौकों पर मध्य प्रदेश के लोगों की सबसे ज्यादा आमद रहती है। सबसे ज्यादा ये कहा जा सकता है कि रामलला से जुड़ाव रखने वाले मध्य प्रदेश के लोग ही हैं, और शायद यही वजह है कि यहाँ अधिकांश आश्रम, मठ, मंदिर उनके निमित्त यहाँ पर उनके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन अब खुद का मध्य प्रदेश भवन बनाया जाना जरूर, जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए राम भक्तों के लिए बड़ा अच्छा पहल होगी, और अयोध्या आने पर उन्हें विशेष सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्हें खुद यहाँ पर रुकने, उनके ठहरने की जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो खुद उनके प्रदेश के द्वारा पूरी की जाएगी। तो ये इस तरीके से बाकायदा जो नव अयोध्या बस रही है वहां पर तमाम जमीनें रखी गई। इसके अलावा जो जन्मभूमि मंदिर है उसके पीछे भी जो तमाम माझा क्षेत्र है वहां पर भी जमीन देखी गई। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही अयोध्या में मध्य प्रदेश का अपना एक निजी भवन होगा, जिसके प्रयास में मुख्यमंत्री मोहन यादव काफी लंबे समय से लगे हुए थे, जल्द ही मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आकार लेकर साकार होता दिखेगा। जी, वाकई सपना है कहीं ना कहीं जो साकार होता हुआ नजर आएगा निवेश। और देखिए, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं राम के भक्त हैं, बल्कि विदेशों में भी हैं। अलग अलग विदेशों से, अलग अलग जगह से हमने देखा कि हम जिक्र करें कई सारे देशों का, तो वहां से भी राम भक्त पहुंचे, रामलला के दर्शन किए। और अब जब इतनी बड़ी सौगात सिर्फ मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगी या इस बारे में काम आगे बढ़ाया जाएगा, चर्चाएं होंगी, तो ये गौरवान्वित करने वाला वाकई पल होगा। इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इधर मोहन कैबिनेट भी पहुंची है, तो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल पाए, किसी तरह की परेशानी जो है आम भक्तों को भी ना हो, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद जब राम भक्तों के रूप में एक जनसैलाब अयोध्या पहुंचा, उसको लेकर एक व्यवस्था बनाई थी और वही व्यवस्था आज भी चल रही है। बाकायदा जन्मभूमि पथ से राम भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें तमाम जो लाइने है उसके अलावा एक विशेष लाइन है जिसे फास्ट ट्रैक लाइन दिया गया है, और इस दरमियान वीआईपी मूवमेंट से राम भक्तों को कोई असुविधा ना हो, राम भक्तों को जरा सा भी उसका सामना न करना पड़े बंदिशों का, उसको लेकर के पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जो एयरपोर्ट और इसके अलावा शहर के बाहर से होते हुए चूड़ामणि चौराहा और फिर गेट नंबर 11 से राम जन्मभूमि परिसर में जाएगा। यहाँ भगवान के मंदिर में भी प्रवेश के लिए अलग द्वार है और दर्शन के लिए भी अलग व्यवस्थाएं हैं, तो जो राम भक्त हैं जो अयोध्या पहुंच रहे हैं उनके दर्शन में कोई बाधा ना हो, वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट से कोई असुविधा राम भक्तों को ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखा गया। और इसके साथ ही चूंकि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है और एक एवरेज अगर देखा जाए तो प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं, जैसे में आप समझ सकती है कि देश और दुनिया के राम भक्त कैसे अयोध्या पहुंच रहे हैं, और अभी तक ये जो क्रम है वो टूटा नहीं है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में राम भक्तों का अयोध्या आना और सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन पूजन करने के बाद अपने गंतव्य के रवाना हो रहा, कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है, वो साफ होती नजर आ रही है। और आज ये कहा जा सकता है कि सभी, मात्र एमपी की कैबिनेट नहीं, करीब करीब कई प्रदेशों की कैबिनेट ने अयोध्या पहुंची, दर्शन पूजन किया, दरमियान आम राम भक्तों को कोई असुविधा ना हुआ, इसको लेकर जो मास्टर प्लान बनाया गया था उसी पर काम हो रहा है। और इसके साथ ही राम भक्तों की सहूलियत को विशेष ध्यान रखा गया, खुद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट के दरमियान राम भक्तों का असुविधा ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी, अब क्या लग रहा है, कितना और समय लग सकता है, क्योंकि शाम को वापस पूरी कैबिनेट को लौटना भी है, और कितना समय लगेगा, रामलला के दर्शन कब तक हो पाएंगे पूरी कैबिनेट को, और कितनी देर वहां पर रुकने का कार्यक्रम है? देखिए, रामलला की नगरी में कितनी देर रहना है ये तो कहना मुश्किल है, खुद राम ही जाने राम की इच्छा। लेकिन यह है कि कैबिनेट अयोध्या पहुंच चुकी है, पंचशील होटल में फिलहाल सभी लोग मौजूद है और वहां से कुछ ही क्षणों में वो रामलला के परिसर में आएंगे, क्योंकि रामलला के परिसर में दर्शन पूजन का बृहद कार्यक्रम है। 63 सदस्यीय डेलीगेशन जो एमपी से अयोध्या पहुंचा है, उनके दर्शन पूजन, उनके स्वागत को लेकर अंदर विशेष तैयारियां की गई है, तो लगभग 1 घंटे से ज्यादा का शेड्यूल पहले से ही आरक्षित है। अब इस दरमियान ये देखना होगा कि रामलला कितनी देर अपने भक्तों को रोक सकते हैं, कितनी देर उनके आराध्य, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मोहन कैबिनेट रामलला के परिसर में मौजूद रहती है। फिलहाल यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद मोहन कैबिनेट पहुंचने वाली है और रामलला का दर्शन करेगी, दर्शन के बाद भगवान के प्रसाद ग्रहण करेगी। जी, वाकई बेहद खास आज का पल होने वाला है, और चूंकि सारी तैयारियां भी कर ली गई है, तरह तरह के कार्यक्रम भी होंगे। सहयोगी अंशिका भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। अंशिका, किस जगह पर इस वक्त आप मौजूद है, आपके पास फिलहाल के लिए क्या अपडेट है, दीजिए।
बिल्कुल रितु, थोड़ी ही देर में राम लला के दर्शन करने के लिए पूरा एमपी कैबिनेट जाएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर थोड़ा रेस्ट के लिए रुके हुए हैं होटल में और यहीं पर कुछ कैबिनेट मंत्रियों से मैं बातचीत करूंगी। लेकिन इस बीच ये भी बता दूं कि सूर्य प्रताप शाही जी भी हमारे साथ मौजूद है, तो आज जानेंगे कि राम मंदिर को लेकर कितनी उत्सुकता है। सर बताइए, ऐसा पल कभी नहीं देखा। ये हम लोगों के लिए बेहद अविस्मरणीय पल है जिसमें पूरा मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश से रामलला सरकार के दर्शन करने के लिए आया हुआ है और निश्चित रूप से रामलला सरकार के दर्शन हम लोगों की बहुत समय से अभिलाषा थी जो आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरी हुई है। इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो देखिए ऋतु, बहुत ऐतिहासिक पल है और अविस्मरणीय है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता है। बातचीत करेंगे आगे। ये पल आने का काफी ज्यादा समय लग गया, 500 साल लग गए, आप क्या कहेंगे? 500 साल से पूरा सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग इंतजार कर रहे थे और लगातार संघर्षरत थे। हिंदू समाज ने बहुत बलिदान दिए हैं इस पल को प्राप्त करने के लिए। हमारा सौभाग्य हम लोगों के घड़ी में जन्म हुआ है। इस अवसर पर हमने कार सेवक हम लोग बड़ी मात्रा में स्वयं ही आए थे और ये जो नारा उद्घोष किया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज रामलला सरकार मंदिर में विराजमान है। ठाट से रंगे, ठाट से भगवान का मंदिर का भवन बन चुका है। आज हम हृदय से गदगद है, रामलला की सरकार माथा टेकने आए हैं। तो देखिए, खुशी हर किसी को है और इस पल का इंतजार हर कोई कर रहा था। आगे बात करेंगे, इस क्षण के लिए इंतजार वाकई में किया जा रहा था लंबे समय से, लेकिन आज आखिरकार मंदिर बनकर तैयार है। आप लोग का टर्न लेकिन काफी लेट आया। ये पहले से तय हुआ था कि 4 मार्च को चलना है, तो तय समय पर ही हम लोग आए हैं। इच्छा तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन जो गाइडलाइन पार्टी द्वारा तय कर दी गई थी उसका पालन करते हुए हम लोग आए हैं। बिल्कुल, तो देखिए इंतजार काफी लंबा हुआ, लेकिन आखिरकार कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इंतजार का फल मीठा होता है। क्यों सूर्य प्रताप शाही जी, आप मुस्कुरा रहे हैं और काफी अच्छा पल है अयोध्या नगरी में, यूपी में आज हर कोई है। आपने कहा देर आए दुरुस्त आए, हर कोई यहाँ दुरुस्त राममय होकर के आ रहा है और रामलला पूरे भारत वर्ष के रोम रोम में बसे हुए हैं, हर जनता के मन में है, उनके दिल के भीतर है। और इसलिए आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मोहन यादव जी और पूरे उनकी सरकार का यहाँ पर स्वागत करने का। आज वो सब रामलला दर्शन करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल के साथ वो यहाँ पर पधारे हैं, मंत्रियों के परिवारों के सदस्य भी यहाँ पर हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रामलला की इस पावन धरती पर, उनकी जन्मभूमि पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनका स्वागत अभिनंदन के लिए हूँ। उन सबका हृदय से स्वागत है और आज पूरा देश राममय है और देश की एकता अखंडता। पहली बार अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भीतर भगवान श्री राम के विराजमान होने के बाद अरुणाचल प्रदेश से ईशान कोण से आना शुरू हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री जी आए और आज उत्तर प्रदेश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से वो यहाँ पर वहाँ की सरकार आई है। हम लोगों को अत्यंत प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की ओर से उनका स्वागत है। आज देश का हृदय यूपी में है और यूपी और एमपी का ये महामिलन कहना गलत नहीं होगा। देखिए, हमारा बहुत पुराना सांस्कृतिक रिश्ता है और भगवान श्री राम लला का भी मध्य प्रदेश से एक बहुत ठीक ठीक। अंशिका, आप लगातार बात कर रही थी और उत्साह भी कहीं ना कहीं नेताओं में नजर आ रहा है। वहां पर मध्य प्रदेश के भी कुछ नेता मौजूद हैं, डेप्यूटी सीएम भी मौजूद हैं, आप उनसे बात करने का प्रयास कीजिए। प्रहलाद पटेल भी वहां पर मौजूद है, उन सबसे बात करने का प्रयास कीजिए। इतना लंबा वक्त बीत गया और उसके बाद जब ये मौका मिला है तो आखिर कितना उत्साहित है वो। और आज फिर पूरे देश को ही नहीं दुनिया को मार्गदर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम लला अयोध्या विराजमान होकर के। और ये सिर्फ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य मंदिर में नहीं हुई है, बल्कि एक तरीके से राम राज्य के स्थापना की शुरुआत हुई है विकसित भारत के संकल्प के साथ। तो जय श्री राम, सौभाग्यशाली हम लोग
कि मोदी जी के युग में भगवान राम को दर्शन कर रहे हैं उनके भवन। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, हम धन्य है। जिस तरह बात बात की जाए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सभी मंत्री पूरी कैबिनेट इकट्ठा होकर के साथ में रामलला के दरबार के लिए निकली। उसी बीच बस में आप देख रहे हैं कि सभी राम गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं, उत्साह से लबरेज हैं, सभी खुशी में डूब रहे हैं कि अब रामलला के दर्शन करने के लिए हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि लंबे कई सालों का इंतजार सभी को करना पड़ा रामलला के विराजमान होने का। और उसके बाद जब ये घड़ी आई है, जब ये घड़ी आई है दरबार में पहुंचने की, तो खुशी बनती है और यहाँ पर खुशी नजर भी आ रही है। सहयोगी अंशिका भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंशिका, आज बेहद खास दिन होगा मोहन कैबिनेट के लिए, सीएम यादव के लिए भी, चूंकि रामलला के दरबार पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। आखिर कितना समय लगेगा? अभी चूंकि होटल में वो मौजूद है, वहां पर आराम कर रहे हैं, उसके बाद कब रवाना होंगे, कब वहां पहुंचेंगे? आज ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए भी कई सारे लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है डिप्टी सीएम राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आज इतने समय बाद ये ऐतिहासिक पल आया है और हर कोई इसका इंतजार कर रहा था, आपका अनुभव? नहीं, सभी लोग को इस बात की प्रसन्नता है कि वर्षों से उलझा हुआ जो मामला था, ऐसा लगता था कभी सुलझ ही नहीं पाएगा, लेकिन मोदी जी ने जिस कुशलता के साथ इसको सुलझा के और इतना भव्य मंदिर बनाया यहाँ पे, जिसकी लोगों को कल्पना नहीं थी, और उसमें रामलला को वहाँ पर विराजित करने का जो ऐतिहासिक काम हुआ, जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पर उपस्थित थे उनकी आँखों से भी आंसू निकल रहे थे खुशी के, और जो लोग बाहर पूरे देश में अपने अपने घरों में टेलीविज़न देख रहे थे वो सब भी प्रसन्नता से भरे हुए थे और भावुक थे। तो ऐसा पल हम सबको देखने को मिल रहा है, ये हम सबका भाग्य है, सौभाग्य है हमारी पीढ़ी को, क्योंकि हमारे पहले की पीढ़ी तो संघर्ष करते करते इस मुद्दे को लेकर इस दुनिया से चली गई, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये मिला है। और वास्तव में हमारे देश की तरक्की के लिए भी इस काम को होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि परिणाम तो कर्म के साथ साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये सही बात है, मेहनत का ही फल मिलता है और ऐसे में आज का दिन तो ऐतिहासिक होगा ही। आज कहा ये भी जा रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक इसीलिए है कि आज मोहन और राम का महामिलन है और आप सब भी यहाँ पर आए हुए हैं, इससे बड़ा कोई पल नहीं हो सकता कि एक छत के नीचे श्री राम के लिए। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज हम सारे लोग आए हैं और एक साथ रामलला के दर्शन करेंगे, क्योंकि एक ऐसा ये उपलब्धि है जिसको अकेले दर्शन करने से वो मैसेज, वो आनंद नहीं मिल सकता था जो सामूहिक रूप से पूरे मंत्रिमंडल के साथ, इसका मतलब पूरे मध्य प्रदेश का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धर्मशाला को लेकर चर्चा थी कि धर्मशाला यूपी की धरती पर खोला जाएगा एमपी सरकार की तरफ से, आप क्या कहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में इस प्रकार का एक शुभ विचार ये जरूर है कि यूपी सरकार की बात करें, कोई जमीन का टुकड़ा ऐसा लेंगे जहां पर मध्य प्रदेश के नाम से एक धर्मशाला बने और मध्य प्रदेश के जो भी श्रद्धालु यहां पर आएं उनको वहां पर रुकने की, ठहरने की और भंडारा की व्यवस्था रहे, इस प्रकार से उनके विचार मन में है तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा। बुलडोजर मॉडल पर क्या कहेंगे? बुलडोजर मॉडल कहाँ का? बुलडोजर मॉडल यूपी में, एमपी में, हर जगह? नहीं, वो तो अपराधियों को कड़ी सजा देने के उद्देश्य से और भविष्य में कोई अपराध करने की हिम्मत ना करे, इसके लिए यदि उसके घर सही जगह पर नहीं बने हैं, अतिक्रमण में है, तो उसको गिराने का फैसला एक सही फैसला है।
तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से आज का जो दिन है वो खास रहने वाला है, और खास इसलिए भी क्योंकि राम मंदिर का भव्य तरीके से दर्शन पूजन किया जाएगा और इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। आज की कैबिनेट समर्पित है भगवान राम को, रामलला को, और उन्हीं के शरण में सभी पहुंचे हैं। आखिर कब तक सभी निकलेंगे, यहां से रवाना होंगे रामलला के दर्शन के लिए, इस बारे में कुछ जानकारी? जानकारी सहयोगी से लेते रहेंगे हम। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जब विमान से सभी पहुंचे, उसके बाद बस से जब वो जा रहे थे तब राम गीत गाते हुए सभी नजर आए, राम की भक्ति में लीन नजर आए, और उसके बाद जब वो पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया, गुलदस्तों के साथ स्वागत किया गया। तीसरी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जहां पर सीएम साहब भी कहते नजर आए कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आज का दिन हमें मिला और हम भगवान के शरण में जो है रामलला के शरण में पहुंच रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। और भी कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई। कुछ देर बाद, अभी चूंकि विश्राम का समय है उनका, थोड़ी देर विश्राम के बाद रवाना होंगे वो रामलला के दर्शन के लिए। अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं कि जो आम भक्त भी पहुंच रहे हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी ना हो, प्रभावित ना हो उनके दर्शन भी। तो अलग तरह से तैयारियां पूरी ही कैबिनेट के लिए की गई है। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पहली तस्वीर बस में सभी राम के गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं, राम मंदिर के लिए आप दर्शन करने जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। पूरी कैबिनेट नजर आ रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जय श्री राम के नारे भी पूरी ही मोहन यादव की कैबिनेट लगाती हुई नजर आई कुछ ही देर में। बस ये सभी रवाना हो गए। तो राम मंदिर जाने वाले हैं कैलाश विजयवर्गीय और दर्शन करने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो राम मंदिर बना है, और इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हम सबको लेकर आए परिवार से ही, बुलडोजर मॉडल पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि कभी भी जहाँ बुलडोजर चलता है वहाँ पर अच्छी इमारत भी खड़ी होती है। मैंने अयोध्या को 10 साल पहले देखा, 20 साल पहले देखा, आज देख रहा हूँ एकदम परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन जो कभी कल्पना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। एक जय श्री राम हो जाए। जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पर उत्सुकता बहुत ज्यादा है, अब मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि आज रामलला के दर्शन करेंगे, लंबे समय से इंतजार भी चल रहा था तो आखिरकार ये क्षण आ ही गया है। बात करने का प्रयास हमारी सहयोगी लगातार कर रही है, कैलाश विजयवर्गीय से भी उन्होंने बात की और उनका भी यही कहना था कि सौभाग्यशाली हम हैं जो आज हमें रामलला के दर्शन करने को मिल रहे हैं। और अब सीएम के साथ भी बातचीत करने का प्रयास हमारी सहयोगी करेंगी आंशिका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अच्छा ठीक है हो गया। अभी मोहन जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है। आज भव्य पल है, ऐतिहासिक पल है, क्या कहेंगे? हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की धरती से, मध्य प्रदेश की धरती से हम यहाँ आए हैं, तो मुझे इस बात का सौभाग्य है। अयोध्या में भगवान राम के प्रणाम करने के बाद हम सब संकल्प कर रहे हैं कि गरीब हितैषी की योजनाओं को ठीक से और नीचे लागू करें। आज देश का दिल यूपी में है, तो इतना ऐतिहासिक पल, और सब यही कह रहे हैं कि आज मोहन और राम का महामिलन है।
हमारे यहाँ तो दर्शन बाबा महाकाल के करते थे, एक मंत्र बोलते शिवाय नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः विष्णुवे नमः। तो स्वाभाविक रूप से दोनों में कोई अंतर नहीं। जय श्री यादव जी, जय श्री राम। अयोध्या की धरती पर आए तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और ये ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि इस क्षण का इंतजार तो लंबे समय से था और आखिरकार ये क्षण आ ही गया। कैमरामैन अनिल के साथ अंशिका पाठक, News 18 अयोध्या। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, सीएम मोहन यादव को भी आप सुन रहे थे, वो भी खुशनसीब अपने आप को समझ रहे हैं क्योंकि रामलला के दरबार में पहुंचे हैं और अब कुछ ही समय के बाद वो दर्शन करेंगे। खुश है पूरी कैबिनेट, पूरी कैबिनेट पहुंची है रामलला के दर्शन करने के लिए। लंबा इंतजार, 500 साल का इंतजार सभी को करना पड़ा और उसके बाद जब रामलला विराजमान हुए तो उसके बाद आज ये खास मौका बना है जब कैबिनेट पूरी पहुंची है, एमपी की कैबिनेट पहुंची है, मोहन कैबिनेट पहुंची है रामलला के दरबार, रामलला के दर्शन करने के लिए। कुछ ही समय के बाद अब सभी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। अरे प्रहलाद सर की करनी, छोटी सी बैठ प्लीज प्लीज। ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये तीन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कितना उत्साह, कितनी खुशी सभी के अंदर है रामलला के दर्शन करने के लिए। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि राम के गीत गाते हुए सभी नजर आए। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाई, फोटो सेशन की ये तस्वीर जहां पर सभी फोटोशूट कराते हुए नजर आए। बेहद खास आज का दिन, जय श्री राम के नारे के साथ शुरुआत मोहन कैबिनेट ने की और अयोध्या रवाना हुए, अयोध्या पहुंचे। उसके बाद कुछ देर बाद अब रामलला के दर्शन के लिए सभी पहुंचेंगे, पूरी कैबिनेट पहुंचेगी। आपको बता दें बैठक में भी कई सारी खास बातें सीएम यादव द्वारा कही गई थी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। तस्वीरें देखिए, जब सभी पहुंचे थे, ये तस्वीरें आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब पूरी कैबिनेट, मोहन कैबिनेट पहुंची अयोध्या, तब की ये तस्वीर है। सभी खुशी में झूमते हुए गाते हुए नजर आए और बस अब कुछ समय और है जब खुशी दोगुनी हो जाएगी, जब रामलला के दरबारी सभी पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। खास इंतजामात, व्यवस्था की गई है वहां पर, खास पूजा भी वहां पर होगी। पूरी कैबिनेट एक साथ पहुंची है रामलला के दर्शन के लिए। आपको यह भी जानकारी दे दें कि खास बैठक जो है इस अयोध्या दौरे से पहले, अयोध्या रवाना होने से पहले जो बैठक हुई थी, उससे पहले कई सारी बड़ी बातें भी सीएम मोहन यादव द्वारा कही गई थी। उन्होंने ये कहा था, उनकी मंशा है कि अगर जगह मिलती है तो अयोध्या में मध्य प्रदेश भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा प्रयास पूरे रहेंगे, कोशिश पूरी रहेगी, चूंकि नाता मध्य प्रदेश से राम का बड़ा रहा है, बेहद गहरा और खास नाता रहा है इस वजह से। और मध्य प्रदेश वासी, मध्य प्रदेश में जो भक्त हैं, राम के भक्त हैं, वो राम की भक्ति कर पाए और जो इतना सालों का इंतजार था वो जो खत्म हुआ है, अब रामलला के दर्शन करने पहुंच पाए और ज्यादा इंतजार ना करें, इसके लिए ये कहीं ना कहीं प्रयास।